हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग इस वीडियो में जान देंगे कैसे आप पिक्सल लैब ऐप से आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक HD क्वालिटी में थंबनेल तैयार कर पाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आप पिक्सल लैब ऐप से कैसे YouTube थंबनेल तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। नीचे आपको डिफॉल्ट थीम इस टाइप के बहुत सारे पिक्चर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको पिक्चर सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। बाकी राइट साइड पर ऊपर तीन डॉट आपको दिख रहा होगा, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो यहाँ से इमेज साइज है इस पर फिर टच कीजिएगा। यहाँ से जो कस्टम है इस पर टच कर दीजिएगा। यहाँ से जो YouTube थंबनेल लिखा हुआ है इस पर टच, फिर यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो आपका यहाँ पर लेआउट है वो YouTube थंबनेल वाला जो 16:9 का होता है वो हो जाएगा। फिर जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको डिलीट करने के लिए आप लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन है, इस पर टच करके डिलीट कर दीजिएगा। साथ में अगर इसका आपको जो ये लेआउट है, बैकग्राउंड है, इसको चेंज करना है तो वह भी आप कर सकते हैं। इसका कलर चेंज, अगर मान लीजिए कि अगर आपने पहले से कोई अगर टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है तो जो ये प्लस वाला आइकॉन है इस पर टच कर देंगे तो आपका वहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा, वहाँ से वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यह कलर पसंद नहीं है जो पिक्सल लैब ने आपको प्रोवाइड किया है तो आपका यहाँ पे नीचे एक दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, इस पर आप टच कर दीजिएगा तो जो ये लेआउट है ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर नीचे है इसके साइड में कलर, इस पर टच, अगर जो ये कलर दिया है तो इसमें से आप जो भी कलर चूज करना चाहें इस पॉइंटर को करके आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ से इसको और कम ज़्यादा अगर करना चाहें डार्क यह भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा, ये आपका बैकग्राउंड हो गया सेलेक्ट। अगर आप ग्रेडियंट मोड में करना चाहें तो इस पर आपको टच करना होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद मिक्सअप करके भी मान लीजिए कि आपको अपने ये वीडियो के थंबनेल के अनुसार यहाँ से कोई कलर चूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये हो गया आपका, फिर ये ऐसे करके भी आप कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से अपने लिए एक ग्रेडियंट कलर भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो प्लस वाला आइकन पे टच कीजिएगा जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर टच कीजिएगा। यहाँ से टच करने के बाद फिर यहाँ न्यू टेक्स्ट आ गया है, इस पर लिखने के लिए लेफ्ट साइड में जो ये एडिट वाला सेक्शन है एक पॉइंटर पेंसिल टाइप का, इस पर आपको टच करना है। यहाँ से ये टच कर दिया तो चलिए हम एक यहाँ से टाइटल अपने वीडियो का जो भी करना है कर देते हैं, जैसे कि आपका 2 सितंबर, ठीक है, 2023 को आपका इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच में आपका एशिया कप में मैच होने वाला है, तो मुझे उसके लिए अगर प्रिडिक्शन वीडियो के लिए थंबनेल तैयार करना है तो कैसे तैयार करूँ, तो हमने ये टाइप कर दिया, यहाँ से ओके कर दीजिएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको पूरा ऊपर अपने अनुसार जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चारों तरफ रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और ऊपर जो ये तीर है यहाँ से कर दे, जो बैक वाला होगा आपका एक्शन वहाँ पर वापस आ जाएगा। अब इसका जो राइटिंग है इसको थोड़ा सा अलग करना है, तो आप नीचे जो ए लिखा हुआ है ए वाले पर टच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे स्टाइल है इस पर आप टच कर दीजिएगा। यहाँ से बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक अंडरलाइन करना चाहते हैं और इसको हटाना है तो आप कर दीजिएगा, इस पर हट जाएगा। तो मुझे बोल्ड करना है, हमने कर दिया। इसका साइज अगर बढ़ाना है आपको तो जो ये साइज लिखा हुआ है इस पर आपको टच कर दीजिएगा, और यहाँ से जो प्लस वाला आइकॉन है इस पर टच कीजिएगा, इसका ये साइज आपका बढ़ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये बढ़ गया।
और अगर आपको यहाँ से फिर कोई अगर फंड आपने डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पर फंड लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर टच कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ये फंड आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको इसमें से पसंद आए आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक सेक्शन है माई फंड्स का, इस पर टच कीजिए। अगर आपने कोई नीड से डाउनलोड किया हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कोई भी फंड डाउनलोड नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब इस राइटिंग किए हुए का मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलर, इस पर टच कीजिए। यहाँ से जो भी आपका अगर ग्रेडियंट कलर लेना है वो ले सकते हैं, सिंपल कलर लेना है तो वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ से एक कलर आपका ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने कलर ले लिया, ठीक। अब इसका मुझे बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है आपका, इस पर आप टच कीजिएगा, यहाँ से इसको इनेबल कीजिएगा। यहाँ से अगर जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर रखना है वो कलर कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट यानी मिक्सअप करके आपको करना है तो वह भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्लैक ले लेते हैं अपने लिए। यहाँ से इसका लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो। ख्याल रखिएगा जो भी थंबनेल होता है आप जितना कि क्रिएटिव सोच सकते हैं सोच लीजिएगा, उतना ही बेहतर आपका थंबनेल बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि जो हम लोग राइटिंग लिखे हैं उसका फंट कलर बैकग्राउंड चेंज करना। अब आपको यहाँ पे अब हम फोटो अपने ये प्लस पे टच कर दिया, यहाँ पे फिर गैलरी है इस पे हम टच, यहाँ से हम फोटो जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से जो फोटो है हम अपना ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से शर्मा का फोटो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर आप एडजस्ट कर दीजिएगा इसको, फिर नीचे है ओके का साइन, इस पर टच, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको आप आवश्यकता अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं इस पर टच करके। तो हम इसको इतना यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसी तरह जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं बाबर आजम, उनको भी हम इसी तरह यहाँ पे लगा देते हैं, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। जिस भी प्रकार का आपको तैयार करना हो ये हमने कर लिया, ठीक है, ये इस तरह हमने लगा दिया। अब इस पर आपको वाइट टाइप की लाइनिंग लगानी है, ठीक है, तो फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे आपका जो ये डबल हेक्सागोनल है इस पर आपको टच करना है। तो यहाँ से आपका ये शैडो वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आप टच कीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा, इसके आसपास शैडो आ जाएगा। अगर आपको इनर शैडो रखना है तो यहाँ पे इनर शैडो का भी ऑप्शन है, इस पर आप टच कीजिएगा, इसको इनेबल कीजिएगा, ये इनर शैडो भी हो जाएगा, इसको हम मोस्टली नहीं यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पर आपका इम्बॉस का भी ऑप्शन है, इसको ऑन कर दीजिएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा तो कुछ खास लेना देना है नहीं इसके लिए। फिर आपका यहाँ पे ये 3D शेप ऑन कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको यूज़ करना हो ये पर्सपेक्टिव, OBQ, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रोटेट 3D पे ये 3D करना हो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ये स्ट्रोक, इसको अन कीजिए, इनेबल। यहाँ पे वाइट चार 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 तरफ से लाइनिंग आ गई, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर है इस पर आप टच कीजिए, देखिए कलर चेंज। उसी तरह जो ये कैप्टन है इनको भी हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। इस प्रकार से आप फोटो का भी जो भी लाइनिंग वाइनिंग करना है कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट पे जाइए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ड्रीम 11 के लिए GL टीम प्रिडिक्शन करना है, ठीक है, तो वो हमने कर दिया। फिर हमने इसको यहाँ पे रख दिया अपना आवश्यकता अनुसार। फिर हम जो इसका शेप है, ठीक है, वो ए वाले पर टच कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ से पहला हम कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ से हम रेड ले लेते हैं आपका, हमने रेड ले लिया। अब यहाँ से जो इसका स्टाइल है वो हमने चेंज कर दिया।
अब हम यहाँ से इसका जो शैडो है ये इस पर भी करके दिखा देते हैं। हमने शैडो ऑन करने पर ऐसा हो गया। अब यहाँ से स्ट्रोक ऑन करते हैं, अगर राइटिंग टेक्स्ट के लिए तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके लिए भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो जो यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है इस पर टच कीजिएगा, इनेबल। यहाँ से जो भी आपको कलर रखना हो वो आप रख सकते हैं, यहाँ से अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर इसको आगे पीछे आपको बढ़ाना हो तो इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर और कुछ ऐड करना है तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट कर दिया, आपको टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया आपका प्लेयर्स एनालिसिस, इस पर हमने टच कर दिया। इसको आप आवश्यकता अनुसार जहाँ पे सेट करना हो कर दीजिए। फिर वही सारी प्रोसेस आपको करनी है, यहाँ से बैकग्राउंड लेना है, जो भी आपको बैकग्राउंड लेना हो आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बैकग्राउंड ले लिया और फिर आपका यहाँ से जो टेक्स्ट का कलर लेना है आपको वह भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर आपका ब्लैक हमने ले लिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट का आपका जो स्टाइल है वो हमें चेंज करना है, तो ये भी हमने इस प्रकार से चेंज कर दिया। अब जो यहाँ पर लाइनिंग है इसको अनुसार आप घटा बढ़ा के अपने अनुसार इस तरह हमने सेट कर दिया, ठीक है। फिर अगर आप कुछ और करना चाहें तो यहाँ से आप और भी, अगर इंडिया का जो अगर फ्लैग आपने रखा होगा मैच के व्यू से, उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो मेरी गैलरी है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ से हम अपना जो भी फोटो है उसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, हमने ये यहाँ से आपका हमने इंडिया का चूज कर लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह दिख जाएगा, आपको इसके अनुसार अपना एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक। फटाफट कर लेते हैं इसको हम यहाँ से, ये इंडिया का हमने लगा दिया। अब यहाँ से हम पाकिस्तान का चूज कर लेते हैं, गैलरी में जाके आप भी इसी तरह जाइएगा, फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ये पिक्सल लैब थोड़ा सा टफ पड़ता है आपका तैयार करना, इसलिए काफ़ी लोग इसे प्रीफर नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक दो बार जहां आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो आप इस पर भी आसानी से आप अपना थंबनेल तैयार कर पाएंगे, ठीक है, वो भी HD क्वालिटी में। तो ये हमने यहाँ से पाकिस्तान का भी लगा दिया, ठीक है। आप आवश्यकता अनुसार आप ये एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, इस प्रकार से देख लीजिए ये हो गया। इस पर भी अगर आपको स्ट्रोक लगाना हो आसानी से आप स्ट्रोक शैडो इनर से शैडो आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे लगा रहे हैं उस तरह आप भी लगा लीजिएगा और अच्छा लगेगा। तो ये हो गया प्रॉपर आपका एक थंबनेल तैयार। इस टाइप से आप भी अपने टॉपिक क्लिक कर सकते हैं। अब इसको हाई क्वालिटी में आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए राइट साइड में जो तीन डॉट हैं इस पर आप टच कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का और उसके नीचे इमेज साइज। तो पहला तरीका है कि इमेज साइज पे जाइए, यहाँ से कस्टम पे जाइए और जो गूगल प्लस कवर फोटो लिखा है इस पर टच कर दीजिए और ओके कर दीजिए। HD क्वालिटी में आपका 100% बहुत ही अच्छे क्वालिटी में ये हो जाएगा डाउनलोड, मतलब ये पिक्चर हो जाएगा। दूसरा है आपका डॉट पे टच, जो एक्सपोर्ट इमेज है जहाँ से आपको इस पिक्चर को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने से पहले जहाँ पे ये JPG लिखा है नो ट्रांसपेरेंसी, इस पर आप टच कीजिएगा, पहले PNG पे सेलेक्ट। फिर आपका नीचे है कस्टम,
इस पे टच, जो अल्ट्रा लिखा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, इस अल्ट्रा पे आपको टच करना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि सेव टू गैलरी, इस पे टच। उसके बाद जो यह फोटो है वो आपका जो थंबनेल है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी फोटो को आप HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा इस तरह टाइम लगेगा, ठीक है, और ये आपके गैलरी में इमेज सेव हो जाएगी। कुछ ऑप्शन बताना भूल गए थे पिक्सल लैब में जो आपको थंबनेल बनाने में YouTube के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जान लेते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में जो प्लस वाला आइकॉन है इस पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद आप जानते हैं कि जो टेक्स्ट है तो वो टाइप करके आपको कुछ भी लिख सकते हैं। करंट डेट, जिस डेट में आप ये बनाते हैं वो डेट आप डाल सकते हैं। फिर स्टिकर है, तो स्टिकर से आप यहाँ से जो नीचे सारे स्टिकर्स ओपन हो गए हैं, अगर यूज़ करना चाहें तो इतने सारे स्टिकर्स हैं, इसमें से जो भी आपको पसंद है अपनी आवश्यकता अनुसार इससे आप यूज कर सकते हैं। स्टिकर के राइट साइड में आपका इमोजीज है, इस पर टच करके आप जो भी यहाँ पे इमोजी हैं उसे आप आसानी से अपने थंबनेल के लिए यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से फिर यहाँ पे जो राइट टिक है इस पर ओके कर दीजिएगा, ये सेट हो जाएगा। साथ में फिर से आप प्लस वाला आइकॉन पर आइएगा, यहाँ से फिर आपका सेप है, इस सेप पर टच कीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे सेप, जो ये लाइन है इसको आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। आपने बहुत दफ़ा ये देखा होगा थंबनेल पे कि ऐसे वाइट पट्टी अलग अलग कलर की लगी होती है, तो इस तरह बढ़ा के आप इस आवश्यकता अनुसार जहाँ सेट करना चाहें इस तरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसका जो ये रेडियस है वो कम ज़्यादा इस प्रकार आप कर सकते हैं। कैपेसिटी 100% ही रहने दीजिएगा। कलर यहाँ से चूज करना चाहें इसके लिए तो आप कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद है। जो ये स्टोक है ये भी इस तरह आप स्टोक वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी 100% ही रहने दीजिएगा। स्टोक का कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो ब्लर रेडियस है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो साइड थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। तो ये हो गया आपका। अब जो है आपका कि अगर ये आपके फोटो के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, तो जो फोटो के ऊपर आपका आया हुआ था अब हमें इसको पीछे करना है या फोटो को आगे करना है, तो नीचे आइएगा, जैसे जो चार नंबर पर राइट साइड में है इस पर आपको टच करना है, ठीक है, सॉरी इस पर नहीं, ये तीन नंबर पर टच करना है। तो जिसको आपको आगे पीछे करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो यहाँ पर पीली लाइन है इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो इसको मुझे पीछे भेजना है। तो ये जो लिखा है कि टू बैक, इस पर आपको टच करना है, देख लीजिए ये पीछे हो गया, ठीक है। इसे फिर आगे करना है तो जो ये टू फ्रंट है इस पर कर दीजिएगा, ये आपके फ्रंट पे हो जाएगा। फिर यहाँ से ये टू बैक, इसे क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। इसे फिर से अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी पर टच कर दीजिएगा, ये फिर से लाइन आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसका पोजीशन भी मान लीजिए, अगर हाथ से सेट नहीं कर पाते तो इससे यहाँ से लेफ्ट राइट अप डाउन करके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ से रिलेटिव पोजीशन डायरेक्ट आपका है, अगर कोई छोटा है तो ये अप एंड डाउन इस तरह करके आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से साइज है, कलर जानते हैं ऑलरेडी, जो कलर आपको यहाँ से चूज करना है वो कलर है। फिर यहाँ से ये टेक्सचर है, इसके लिए इमेज की जरूरत पड़ेगी, अगर यूज करना चाहें कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो कलर फिल्टर है आप यहाँ से इसको इस तरह अपने आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह, ठीक है, अगर पसंद है तो आप कर सकते हैं। इरेजर, यहाँ से इरेज को कुछ करना चाहें तो आप इसे यहाँ से इरेज पर ऐसे टच करके यहाँ से इसे इरेज कर सकते हैं, ओके। देखिए ये इरेज जो लाइन हो गया है वो इरेज हो गया। फिर यहाँ से मास्क है आपका, इनेबल कर दीजिएगा, तो इस टाइप से ये आपका मास्क इनेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो इसका एक्शन है ये आप देख सकते हैं, ये लाइनिंग इस टाइप से आप कम ज़्यादा इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये इरेज कलर है, आप यहाँ से कलर इसका इरेज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद जो यहाँ पे
ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। फिर यहाँ से जो कलर है आपको ला के यहाँ पे जो ये छोटा सा ये पॉइंटर है इसको आप इसका कलर पर करके जो यहाँ पे इस पर पिक कलर पर कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा, तो इस टाइप से ये होगा। तो यहाँ पे जो इसकी थोड़ी सी दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो अगर बैकग्राउंड किसी फोटो का हटाना है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, कलर भी इरेज करना है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। जो रोटेट है इसे आप एंगल से इस तरह आप आवश्यकता अनुसार रोटेट कर पाएंगे। फिर आपका इसे 3D में रोटेट करना चाहें कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी यहाँ पे एंगल है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। फिर जो यहाँ से आपका 3D शेप है इसे इनेबल कीजिएगा, इस टाइप से आपका ये पर्सपेक्टिव ओब्लिक इस टाइप से ये हो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ से शैडो इनर से शैडो हमने पहले ही और ये इम्ब्रो हमने पहले ही आपको बार बता दिया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे से ये आएंगे इधर आप 4 नंबर पे, तो इस पर टच करेंगे तो यहाँ से कलर बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेंट करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को यहाँ से आप ट्रांसपेंट करके कोई भी कलर अगर एक्स्ट्रा आप ले लेना चाहें इस तरह आप ले सकते हैं। यहाँ से इमेज डालना चाहें डाल सकते हैं, गैलरी से डाल सकते हैं, ये कैमरा से डायरेक्ट फोटो खींच के भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके राइट साइड में एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इनेबल करके जो भी ये सारे ऑप्शन है इसको आप आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और साथ ही मान लीजिए कि आपने थंबनेल के लिए बहुत सारा एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया और आपको एडिटिंग में तकलीफ हो रही है, तो राइट साइड में एक ऑप्शन है इस पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो भी आपने एलिमेंट यहाँ पर ऐड किए होंगे अपने थंबनेल में वो सारे दिख जाएंगे, उनको आप लॉक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लॉक का ऑप्शन है, ये ताला का साइन दिया हुआ है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से व्यूज ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉक करने पे ये सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार, और उसके बाद इस पर टच करके बैक आ जाइएगा, फिर ये इधर उधर कुछ नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा। फिर आसानी से जो भी आपको एडिटिंग करना है बिना किसी तकलीफ का परेशानी का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अच्छे से एक थंबनेल पिक्सल लैब से क्रिएट कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको अब यह जानकारी मिल चुकी है कि कैसे आप पिक्सल लैब ऐप से HD क्वालिटी में थंबनेल तैयार कर पाएंगे। अगर वीडियो और जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमें मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।